बागेश्वर धाम वाली धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची का कमाल निरहुआ को दिख गया, जो चाहता वही होगा। शिवपाल यादव आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये खबर सियासी गलियारों में फैली तो निरहुआ के चेहरे पर चमक आ गई। शिवपाल चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन आजमगढ़ सीट पर अपनी उपस्थिति में नहीं छोड़ी कोर कसर। शिवपाल की प्लानिंग से बीती आदित्य के लिए तैयारी जारी, अखिलेश टिंपल के फैसले आदित्य खेलने वाले हैं नई पारी। शिवपाल यादव राजनीति की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे अपनी राजनीति करने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं। शिवपाल इस वक्त उस दौर में है जहां उनके लिए पद जरूरी नहीं बल्कि पद को उनकी दरकार रहती होगी। शिवपाल ने अपनी राजनीति के जरिए बहुत कुछ किया, जो चाहा उन्हें वो मिला। अब जिस मुताबिक शिवपाल अपनी राजनीति को रफ्तार दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए राजनीति में है। अपनी राजनीति को अपने राजनीतिक अनुभव से धार दे रहे हैं। बहुत दिनों से आजमगढ़ में इसी राजनीति की दुनिया के योद्धा शिवपाल यादव के लिए एक बात कही जा रही थी। सपा की ओर से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मैदान में होंगे, निरहुआ की जीत के सामने वही दीवार बनेंगे। निरहुआ को फिर से पूरी तरह से एक्टिंग की दुनिया में भेजने के लिए शिवपाल ही एकमात्र सपा के लिए विकल्प हैं। ऐसे तमाम तरह की बातें हो रही थी। इन्हीं बातों को सुनकर आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर था, लेकिन तभी एक बात शिवपाल ने अपने संकेतों से दे दी। लेकिन इस चुनाव में अपनी प्लानिंग से एक बड़ा दांव खेलेंगे। अब कहने वाले तो कह रहे हैं, लंदन के लेस्टर में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने जो बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवाई थी उसने अपनी महत्वता साबित कर दी। इसलिए सभा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का मन बदल गया। अब ऐसे में सवाल है, शिवपाल यादव अगर लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के रण में ताल नहीं ठोकेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? क्या अखिलेश ने फैसला ले लिया है? आजमगढ़ से शिवपाल की जगह कोई और उम्मीदवार होगा? क्या अखिलेश ने शिवपाल से उस उम्मीदवार के बारे में बात की है, या फिर शिवपाल जिस बार के नाम को बताएंगे अखिलेश उसे ही आजमगढ़ के रण में उतारेंगे? और क्या शिवपाल ने अपनी जगह आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए उस उम्मीदवार के नाम को तय कर दिया है? क्या अखिलेश को भी उस उम्मीदवार के नाम पर सहमति है? ऐसे तमाम सवाल हैं। जवाब के तौर पर कहा जा रहा है शिवपाल यादव अपनी जगह आदित्य यादव को चुनावी रण में उतारने का मन बना चुके हैं और अखिलेश की ओर से भी सहमति है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आदित्य यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में अपनी भाभी डिंपल यादव का साथ दिया था, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से कार्यकर्ताओं के जोश को एक ट्रैक पर रखा, इसे इधर उधर भटकने नहीं दिया, डिंपल के साथ ही अखिलेश यादव काफी इंप्रेस हुए और शायद उसी दिन यह तय हो गया था कि आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। शिवपाल जिस तरह से आजमगढ़ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर अलग अलग माध्यमों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि एक अनुभवशील नेता को मालूम होता है इतना तो कद अपना है ही, लोग वोट तो देंगे ही, लेकिन बात जब अपने अलावा किसी अपने की राजनीति को रफ्तार देने की आती है, वो भी और कोई नहीं जब वो नेता अपना ही बेटा हो, तो जीत की संभावना होते हुए भी कोई कमी नहीं छोड़ने का प्रयास एक पिता का होता है। शिवपाल बार बार आजमगढ़ जाकर और सोशल मीडिया पर आजमगढ़ के मुद्दे को उठाकर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं, वो तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह उनका बेटा आदित्य यादव चुनाव लड़ेगा, ऐसा शिवपाल यादव के प्रयासों को देखकर लग रहा है। एक संकेत शिवपाल यादव ने और दिया था, जब उनसे उनके बेटे आदित्य यादव के राजनीतिक करियर पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था अखिलेश ही उनके भविष्य को तय करेंगे, तो क्या माना जाए आदित्य यादव का राजनीतिक भविष्य 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना है? ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है डिंपल यादव भी चाहती हैं आदित्य को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि डिंपल ने आदित्य की राजनीतिक समझ को नजदीक से देखा है। माना जा रहा है शिवपाल यादव इसलिए बार बार आजमगढ़ जा रहे हैं ताकि बेटे आदित्य के लिए एक पुख्ता सियासी जमीन तैयार कर सकें।